वहीं पूर्व मंत्री मांगेराम के बेटे जगदीश नंबरदार की आत्महत्या के मामले में आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है और इस मामले में जेजेपी प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य सनवीर दलाल भी मीडिया के सामने आए हैं। क्या कुछ कहना है उनका इस पूरे मामले में, एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। हरियाणा में इन दिनों पूर्व मंत्री मांगेराम के बेटे जगदीश नंबरदार की आत्महत्या मामला सुर्खियों में बना हुआ है। तो वह इस मामले को लेकर हरियाणा में आरोप प्रत्यारोप का दौर भी लगातार जारी है। अब इस मामले में जेजेपी प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य सनवीर दलाल का बयान सामने आया है। जेजेपी नेता सनवीर दलाल ने इनेलो प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी से खुद को जान का खतरा बताया। सनवीर दलाल का कहना है कि अगर उन्हें कुछ होता है तो इसके जिम्मेदार इनेलो प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी होंगे। वहीं जेजेपी हलका अध्यक्ष संजय दलाल ने पुलिस को इस मामले में ठोस कार्रवाई करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया है और चेतावनी दी है कि अगर एक सप्ताह के अंदर कोई कार्रवाई नहीं की गई तो वे बहादुरगढ़ के सिटी थाने का घेराव करेंगे। दरअसल जेजेपी प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य सनवीर दलाल पर जगदीश नंबरदार के ऑडियो को वायरल करने के आरोप लगे हैं, जिसमें जगदीश नंबरदार ने खुद की आत्महत्या करने की आशंका जताई थी। और मैं कहूँ भाई, आप सारे बैठे हो, इब मन नफे सिंह मन न खतरा है, मेरे कुछ हो गया ना, इबे मेरी भी हत्या हो सके भाई, इब मन इन तक खतरा है, मैं भी अपनी सुरक्षा की मांग करू भाई, पत्रकार महोदय या भी पहुंचा दियो और मैं एसपी के भी दूंगा लिख के, इमन ने भी खतरा है भाई, ये केबरा के कर दे। अब सनवीर दलाल ने खुद की जान का खतरा बताते हुए पुलिस सुरक्षा की गुहार लगाई है। इतना ही नहीं, पुलिस जांच में सहयोग देने के भी बात कही गई है और साथ ही ऑडियो वायरल करने की बात को सिरे से नकार दिया है। वहीं बीजेपी नेता संजय दलाल ने पुलिस को चेतावनी दी कि अगर एक सप्ताह के अंदर इस मामले में कोई ठोस और कठोर कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई तो स्थानीय जेजेपी कार्यकर्ता शहर थाने का घेराव करेंगे। जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और उनको गिरफ्तार करना चाहिए, क्योंकि 4 से 5 दिन का समय हो गया, अब तक मेरे ख्याल में एक पटवारी तक भी नहीं पकड़ा गया है। अगर एक हफ्ते में कोई कार्रवाई प्रकार से संतोषजनक नहीं हुई तो जननायक जनता पार्टी शहर थाने का घेराव करेगी। आज से एक हफ्ते ये मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। एक तरफ जहां इनेलो प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी मामले की सीबीआई जांच के लिए मांग कर रहे हैं, तो पूर्व मंत्री मांगेराम के मृतक बेटे जगदीश नंबरदार के परिजन और जेजेपी पार्टी से जुड़े कार्यकर्ता नफे सिंह राठी की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। इस मामले को सुलझाने के लिए एएसपी अमित यशवर्धन की अगुवाई में एक एसआईटी का गठन भी किया गया, लेकिन एसआईटी की जांच में क्या कुछ निकल कर सामने आता है यह तो देखने वाली बात होगी। बहादुरगढ़ से प्रदीप धनखड़, खबरें अभी तक।